नेशन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमलावर हो गए। आपको बता दें कि उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। मांझी ने ट्वीट कर कहा है कि राजद के विधायक से जो पार्टी को चलाने के लिए पैसे मांगे गए हैं, वे वास्तव में बिहार के व्यापारियों से, डॉक्टरों से, उद्योगपतियों से, होटल कारोबारियों से एक्सटॉर्शन के रूप में मांगे जाने थे, पर बिहार की जनता ने भय और जंगल राज के खिलाफ वोट देकर खुद को इन सब चीजों से बचा लिया। अब जो उनके साथ हैं वो भुगत रहे हैं। इधर हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश जैन ने राजद की जंगल राज की सरकार पर बिहार के लोगों से पैसा मांगा जाता था और उन्होंने साथ साथ यह भी कहा है कि राजद के शासनकाल में बिहार की स्थिति क्या थी यह किसी से छुपी नहीं है। इस दौरान सूबे के डॉक्टर और व्यापारी पलायन को मजबूर हो गए थे। हर तरफ भय और खौफ का माहौल था। उस समय को सोच कर मन में डर सा माहौल बन जाता है और आज भी वह उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर तेजस्वी यादव पर हमला बोला है और साथ साथ उनके शासनकाल की सारी बर्बादियां और जितने भी उन्होंने शासनकाल में, चाहे उनके पिताजी हों, चाहे उनकी माताजी हों, जितने भी एक्सटॉर्शन के मामले सामने आए थे, उन्हें उजागर कर उनके खिलाफ हमला बोला। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।